इन ऑनलाइन क्लासों में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा का गठन। इससे जो पिछली वीडियो थी हमने उसमें देखा था लोकसभा का गठन, हम ये पढ़ चुके थे। और आज हमारा जो विषय है वो है राज्यसभा का गठन या निर्माण। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी मेरा ये वीडियो देख रहा है उन सभी से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो है अपनी कॉपी और पेन लेके बैठे और जो भी हम आज सीखेंगे समझेंगे आप उन सभी बातों को जो है अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें। क्योंकि और जो भी विद्यार्थी इन वीडियोस को देख रहा है इन क्लासों को पढ़ रहा है तो ये मान के चलो कि वो विद्यार्थी जो है समय का सदुपयोग कर रहा है। क्योंकि आज के इस भौतिकवादी युग में जो है समय अपने आप में बहुत मायने या अहमियत रखता है। तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि समय का सदुपयोग कर रहे हैं और आप इस जो है अमूल्य समय का जो है दुरुपयोग नहीं कर रहे, तो इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। और हम चलते हैं राज्यसभा का गठन। देखो एग्जामिनर हमारे एग्जाम में ये प्रश्न दे सकता है कि संसद के गठन को समझाइए, तो संसद का जो गठन है वो हम पढ़ चुके। या फिर एग्जामिनर आपको दे सकता है लोकसभा के गठन की प्रक्रिया को समझाइए, या फिर वो दे सकता है राज्यसभा के गठन की प्रक्रिया को या निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो यदि एग्जामिनर आपको ये प्रश्न दे दे कि राज्यसभा के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, तो हम जो है 12 या 13 बिंदुओं के माध्यम से राज्यसभा के निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे। यानी मैं जो आपको ये बिंदु बता रहा हूँ उन बिंदुओं के माध्यम से जो है हम राज्यसभा का गठन करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके गठन के अंदर परिचय या संवैधानिक उपबंध। यानी इसका अर्थ है कि राज्यसभा का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है और इसे संसद में क्या कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहला बिंदु आप क्या लिखेंगे, परिचय या फिर संवैधानिक उपबंध। तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का उल्लेख है। इसे संसद का द्वितीय सदन, उच्च सदन, स्थायी सदन, विशिष्ट सदन या राज्यों का सदन कहते हैं। देखिए लोकसभा तो क्या है, पहला, और ये कौन सा है, दूसरा। ये कौन सा है, दूसरा सदन। लोकसभा निम्न सदन और ये कौन सा है, उच्च सदन। ये कौन सा है, अस्थाई, तो ये कौन सा है, स्थाई। विशिष्ट या राज्यों का सदन। एक बार परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है कि राज्यों का सदन किसे कहते हैं, तो राज्यों का सदन है राज्यसभा। या आपसे पूछ सकता है कि संसद का स्थायी सदन कौन सा है, तो संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। तो आप इस प्रकार से जो है इन प्रश्नों को, जो छोटे प्रश्न हैं उनको भी याद करते हुए चलें। ठीक है, दूसरा जो बिंदु है वो है सीटों का आवंटन। इसका अर्थ ये है कि हमारे भारत में जो है 28 राज्य और 9 क्या हैं, संघ राज्य। तो किस राज्य से कितने राज्यसभा में सदस्य आएंगे, तो वो जो सीटों का आवंटन है उसका उल्लेख कहाँ किया गया है। जैसे मैं बात करूँ राजस्थान से, तो चूंकि राजस्थान से कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे, तो हमारे राजस्थान से जो हैं राज्यसभा में 10 सदस्य चुन करके जाते हैं और लोकसभा में जाते हैं 25। तो इस प्रकार से हर राज्य के अंदर क्या कर रखा है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन कर रखा है। और इस बात का उल्लेख कौन से अनुसूची में है, तो इस बात का उल्लेख है संविधान की अनुसूची 4 में। देखिए विद्यार्थियों, जो एग्जामिनर है वो आपको ये भी पूछ सकता है कि संविधान की अनुसूची 4 में किस बात का उल्लेख है, तो आप इस बात को याद रखना, राज्यसभा सदस्यों के सीटों का आवंटन का उल्लेख है। अनुसूची 4 का संबंध किससे है, राज्यसभा
सीटों के आवंटन से। इसके बाद में जो अगला बिंदु है वो है सदस्य संख्या। इसका तात्पर्य है कि जो राज्यसभा है इसमें कितने सदस्य होंगे या फिर वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो देखिए अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, यानी 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में यह संख्या 245 है। इसका अर्थ यह है कि 250 सदस्य तो हो सकते हैं अधिकतम, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245। तो 245 सदस्य वर्तमान में राज्यसभा में हैं, जिनमें से 229 सदस्य तो कहाँ से चुन करके आते हैं? राज्यों से। 4 सदस्य आते हैं संघ राज्यों से और 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत या निर्देशित किए जाते हैं या फिर निर्देशित किए जाते हैं। क्योंकि पेपर में इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, एग्जामिनर तुम्हें दे सकता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को निर्देशित करता है, तो उस जगह बहुत से बच्चे जो हैं आपसे पीछे हो जाएंगे। लगभग जो है 20,000 बच्चे आपसे पीछे हो जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों को पता है कि निर्देशित शब्द का अर्थ है मनोनीत, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को निर्देशित करता है। और ये जो प्रावधान है, इस प्रकार का जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया था? आयरलैंड के संविधान से। ये भी तो आपसे पूछ सकता है। इसके बाद में नंबर 4 हम बात करेंगे योग्यता या निर्योग्यता। तो योग्यता और निर्योग्यता के बारे में मैं आपको काफ़ी पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि संसद लोकसभा की जो योग्यता है वही योग्यता हमारे यहाँ पे राज्यसभा की है। सिर्फ अंतर क्या है? उम्र का। लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में है 30 वर्ष। ये आप थोड़ा सा डीपली याद रखना इसको। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए तो कितने वर्ष का होना चाहिए? न्यूनतम 25 वर्ष का। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना होना चाहिए? न्यूनतम 30 वर्ष का। बाकी वही योग्यता है जो लोकसभा की थी। और कौन कौन सी? देखो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, वह 30 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो, यानी न्यूनतम जो आयु है कम से कम 30 वर्ष का तो होना ही चाहिए। यदि कोई सदस्य 30 वर्ष से कम का है तो वह क्या माना जाएगा? निर्योग्य। इसके अलावा वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी भी लाभ के पद पर न हो। इसके अलावा वह न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो। आपको यदि दिख नहीं रहा हो तो आप सुन लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि वह किसी भी न्यायालय के द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना हो। और नंबर 5 क्या दे रखा है? कि उस उम्मीदवार के लिए उस राज्य की विधानसभा या उस राज्य की सरकार के पास 10 प्रस्ताव या 10 अनुमोदन जो है आने चाहिए। 10 प्रस्ताव और 10 क्या आने चाहिए? अनुमोदन होने चाहिए। यानी जो भी सदस्य राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है तो उस उम्मीदवार के पास में जो है क्या होने चाहिए? 10 प्रस्ताव और 10 अनुमोदन होने चाहिए। ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा डिटेल से। तो 10 प्रस्ताव और 10 अनुमोदन होने चाहिए। तो ये 5 जो हैं योग्यता निर्योग्यताएं हैं जिनको आप अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद में नंबर 5 है निर्वाचन। इसका अर्थ है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से याद कर लेना, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यानी इसका अर्थ ये है कि जिस राज्य से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जा रहा है उस राज्य की विधानसभा के सदस्य जो हैं अपने राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करेंगे। एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए
कि राजस्थान से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करना है तो राजस्थान से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? राजस्थान विधानसभा के सदस्य। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे यहाँ राजस्थान की जो विधानसभा है इसमें कितने सदस्य विधायक हैं? 200 विधायक। तो राजस्थान की जो विधानसभा है उस विधानसभा के जो 200 विधायक हैं वो क्या करेंगे? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको तुलनात्मक बताता हूँ। देखिए, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव तो कौन करती है? जनता। कौन करता है? जनता के द्वारा किया जाता है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इनका चुनाव किया जाता है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। कहने का मतलब क्या हुआ? विधायक। किनके द्वारा? विधायकों के द्वारा। तो देखिए, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव तो कौन कर रहा है? जनता। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन कर रहा है? विधायक। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों की तो अपन तुलना करते हैं। तो एक का चुनाव तो जनता कर रही है, वयस्क मतदाता कर रहे हैं, और एक का चुनाव कौन कर रहे हैं? विधायक। यानी जिस राज्य से वो सदस्य चुन के आएंगे उस राज्य के जो विधायक हैं वो उनका निर्वाचन या चुनाव करेंगे। इसके बाद में नंबर 6, निर्वाचन विधि। इसका अर्थ ये है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो कौन सी विधि से किया जाएगा? तो इनका चुनाव कौन सी विधि से किया जाएगा? तो जिस विधि से राष्ट्रपति का चुनाव होता है या जिस विधि से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी विधि से जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और वह विधि कौन सी है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की गुप्त मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। यानी जो विधि राष्ट्रपति के चुनाव में काम में ली जाती है उसी विधि से जो है इनका चुनाव किया जाता है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व, गुप्त मतदान और अप्रत्यक्ष विधि, वही 4 विधि यहाँ पे काम आ रही है। इसके अलावा अगला बिंदु है मनोनीत सदस्य। भाई आप जो है राज्यसभा का जब गठन आप समझा रहे होंगे अपनी नोटबुक में या एग्जाम में, तो नंबर 7 पे क्या लेंगे आप? मनोनीत सदस्य। इसका अर्थ ये है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो आप यहाँ लिखेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। यानी किस प्रकार के व्यक्ति को किया जाता है? जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा से क्या हो? संबंधित हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि जो हमारे क्रिकेटर हैं कौन? सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, तो उनका चुनाव थोड़ी ना किया गया था, उनको राष्ट्रपति ने मनोनीत किया था। और वो किस आधार पर किया था? कि उनको खेलने की कला का ज्ञान था। तो जिन व्यक्तियों को कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा का ज्ञान हो या इनके विशेषज्ञ हों, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट, नामजद, मनोनीत या निर्देशित करता है। आप निर्देशित कह सकते हैं, आप मनोनीत कह सकते हैं, आप नामजद कह सकते हैं, नामजद कह सकते हैं, क्योंकि पेपर जो बनाने वाले हैं वो आपको इनमें से कोई सा भी शब्द दे सकते हैं। तो आपको हर शब्द का पर्याय आना चाहिए। इन सब का एक ही अर्थ है। और आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि राष्ट्रपति किस प्रकार के सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है? तो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत करता है। तो आप इन छोटी छोटी बातों को जो है आप अपने दिमाग में बिल्कुल याद कर लें, इनको बैठा लें। इसके बाद में नंबर 8, शपथ। शपथ तो ये हम पहले देख चुके हैं कि अनुच्छेद 99 के अनुसार जो है
संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित व्यक्ति क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो और चाहे वह राज्यसभा का सदस्य हो, प्रत्येक सदस्यों को जो है राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा जो निर्धारित व्यक्ति है वो क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। इसके बाद में कार्यकाल, इसका अर्थ ये है कि राज्यसभा का, देखो ये थोड़ी सी गौर करने वाली बात है क्योंकि कार्यकाल को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में अंतर है। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो तो है 5 वर्ष और राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितना है, देखिए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा इसके राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष, और इसका कितना होता है, 5 वर्ष। लोकसभा का 5 वर्ष और इसका कितना होता है, 6 वर्ष। तो ये इन दोनों में अंतर है। और इसके बाद एक तिहाई सदस्य क्या करेंगे, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि ये जो राज्यसभा है इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि प्रति 2 वर्ष के बाद एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि 245 जो सदस्य हैं इनमें प्रति दो वर्ष के बाद में जो है एक तिहाई यानी 1/3 सदस्य वो क्या हो जाएंगे, सेवानिवृत्त। और इनके स्थान पर क्या है कि 1/3 सदस्य जो है हम दूसरे निर्वाचित हो जाएंगे, यानी नए सदस्य जो है वो क्या हो जाएंगे, निर्वाचित कर लिए जाते हैं। फिर 2 वर्ष बाद में क्या करेंगे, 1/3 सदस्यों सेवानिवृत्त हो जाएंगे और फिर उनके स्थान पे क्या होगा, 1/3 नए सदस्य आ जाएंगे चुन करके 6 वर्ष के लिए। और फिर 2 वर्ष बाद में क्या होगा, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उनके स्थान पर 1/3 सदस्य नए निर्वाचित होकर के आ जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है कि ये जो राज्यसभा है ये क्या है, एक स्थायी सदन। कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा के जो 245 सदस्य हैं वो एक साथ सेवानिवृत्त नहीं होते, जैसे लोकसभा के सदस्य तो एक साथ जाते हैं और फिर एक साथ नहीं चुन करके आते हैं, लेकिन राज्यसभा के 245 सदस्य एक साथ सेवानिवृत्त नहीं होते, केवल एक तिहाई सदस्य ही क्या होते हैं, प्रति 2 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। इसलिए जो राज्यसभा है वो क्या है, एक स्थायी सदन है। इसके बाद में अगला बिंदु है, हमने 9 बिंदु पढ़ लिए, अब 10वां जो है वो है आपके इसमें नंबर 10 और वो है पदाधिकारी। तो आप जो है इसमें 2 अनुच्छेद याद रखना कि अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद निवासी के अनुसार, आप खुद अपनी कॉपी में लिख लेना, इन चीजों को मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि यहाँ पे तो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप खुद अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि पदाधिकारी पॉइंट डाल करके अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद निवासी के अनुसार राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, नंबर 1 सभापति और नंबर 2 है उपसभापति, और आपको मैंने बताया था कि हमारे भारत का जो भी उपराष्ट्रपति बनता है,
हमारे भारत में जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है वह राज्यसभा का क्या होता है, सभापति बनता है। और उपसभापति का चुनाव जो है 245 सदस्य अपने में से करते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो कार्यकाल है वो है 6 वर्ष और इसका जो कार्यकाल है वो है 5 वर्ष, क्योंकि सभापति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। जो भी उपराष्ट्रपति बनता है वह यहाँ क्या बन जाता है, सभापति के पद पे कार्य करता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो सभापति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता और उपसभापति इनमें से ही बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, पदाधिकारी। इसके बाद में अगला बिंदु हम लेंगे, इसमें आपके सत्र, हम बात करें सत्र या अधिवेशन। देखो विद्यार्थियों, सत्र को ही जो है अधिवेशन कहा जाता है, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, चाहे सत्र कह दो चाहे अधिवेशन कह दो। तो राज्यसभा के, तो आप इसमें क्या लिखेंगे अगले बिंदु में, सत्र अधिवेशन में, कि राज्यसभा के प्रतिवर्ष 3 अधिवेशन होते हैं। और वो 3 कौन कौन से, नंबर 1 बजट सत्र, नंबर 2 मानसून सत्र और नंबर 3 है शीतकालीन सत्र। इस प्रकार से जो है 3 सत्र होते हैं। और ये जो बजट सत्र है ये कब होता है, ये होता है फरवरी से लेकर के और मई के बीच में कभी भी हो सकता है, जब राष्ट्रपति इसको आहूत करे बुलाना चाहे। और मानसून सत्र कब होता है, ये होता है जुलाई से लेकर के और सितंबर के बीच में कभी भी हो सकता है। और शीतकालीन जो सत्र है वह नवंबर से दिसंबर के बीच में कभी भी हो सकता है। जब भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सत्र बुलाने की के लिए कहे तभी जो है ये सत्र आयोजित किए जाते हैं। और एक विशेष बात आप याद रखना कि 2 सत्रों के बीच में जो है 6 माह से अधिक अंतर नहीं हो सकता। तो यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के कितने सत्र या अधिवेशन होते हैं तो नाम बताइए, तो आप उस जगह क्या बताएंगे कि राज्यसभा के 3 अधिवेशन या सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इसके बाद में जो अगला बिंदु है वो है गणपूर्ति। अगला बिंदु कौन सा है, गणपूर्ति या फिर हम बात करें कोरम। तो राज्यसभा की जो गणपूर्ति है, जो कोरम है, वो कितना है, 25 सदस्य। इसका अर्थ यह होता है कि जो कुल सदस्य हैं उनका 10वां भाग। अब कुल सदस्य कितने राज्यसभा में, 245 और इनका 10वां भाग क्या होगा, 25 सदस्य। तो ठीक है, तो राज्यसभा का यदि अधिवेशन बुलाना है, यदि सत्र बुलाना है या उसकी कोई बैठक बुलानी है तो कम से कम 25 सदस्यों का कोरम होना जरूरी है, गणपूर्ति होना जरूरी है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि लोकसभा एवं राज्यसभा की गणपूर्ति कितनी है, तो लोकसभा की गणपूर्ति कितनी है, लोकसभा की गणपूर्ति है 55 सदस्य और राज्यसभा की गणपूर्ति है 25 सदस्य। आप इन दोनों आंकड़ों को अपने मस्तिष्क में अच्छी तरह बैठा ले, याद कर ले। इसके बाद में अगला जो बिंदु है वो है, देखिए निर्वाचन विधि, मनोनीत सदस्य, शपथ, कार्यकाल वगैरह आ गया। और अब है इसमें नंबर 12 वेतन एवं भत्ते। अब कौन सा बिंदु पढ़ेंगे, लास्ट जो बिंदु है वो है वेतन भत्ते नंबर 12।
और वो है वेतन भत्ते। और इसमें आप क्या लिखेंगे कि राज्यसभा सदस्यों को संसद के द्वारा तय किया गया वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने इन 12 बिंदुओं के माध्यम से क्या सीखा, राज्यसभा का गठन या निर्माण की प्रक्रिया को समझा सीखा। तो आप सभी विद्यार्थी जो है इसको बार बार जो वीडियो को आप रिवाइज करके और इन चीजों को देख लें। और अगला बिंदु है हमारा, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला बिंदु कि संसद के ये जो दो सदन है कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में क्या अंतर है। आपसे जो है एग्जामिनर ये प्रश्न पूछ सकता है कि ये जो संसद के दो सदन है कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में क्या अंतर है। या तो आपसे अंतर देगा, शब्द देगा अंतर बताइए, या फिर आपसे देगा कि लोकसभा या राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो तुलना का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ भी क्या होता है, अंतर, यानी इन दोनों की तुलना तुम्हें करनी पड़ेगी। तो लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, इसको हम जो है कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। यदि मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो आप समझने का प्रयास करना लोकसभा एवं राज्यसभा में जो अंतर है उसको आप कुछ बिंदु लेकर के और बता सकते हैं। बहुत आसान है, कैसे, देखो सबसे पहले अंतर आप बता सकते हो संवैधानिक प्रबंध, यानी संवैधानिक उपबंध या संवैधानिक प्रबंध। और इसमें आप आसानी से जो है ये लिख सकते हो क्या, यहां लोकसभा है और यहां राज्यसभा है, ठीक है। और आपने जो अंतर का पहला बिंदु लिया वो कौन सा लिया, संवैधानिक प्रबंध का, यानी तो इसमें अंतर क्या है, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है और राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। ये पहला अंतर संवैधानिक उपबंध या प्रबंध को लेकर के। दूसरा हम बात करें अंतर परिचय को लेकर के, और परिचय में को लेकर के आप क्या अंतर बताएंगे, यानी इधर आप आधार लेना कि आप इन आधारों के ऊपर जो है इन आधारों के माध्यम से आप इनमें अंतर बता सकते हैं। अब देखो परिचय में अंतर कैसे बताएंगे कि लोकसभा को संसद का प्रथम सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन एवं जनता का सदन कहते हैं। और इसमें क्या लिखेंगे, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन, उच्च सदन, स्थायी सदन, विशिष्ट सदन एवं राज्यों का सदन कहते हैं। तो यह हो जाएगा दोनों में परिचय को लेकर के तुलना या अंतर। तीसरा आप अंतर बता सकते हैं सदस्य संख्या को लेकर, और इसमें आप अंतर क्या बताएंगे कि लोकसभा में 545 सदस्य है और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। तीसरा अंतर, नंबर चार आप बता सकते हैं मनोनीत सदस्यों में अंतर। इसमें आप बताएंगे कि राष्ट्रपति लोकसभा में 200 सदस्यों को मनोनीत करता है, राष्ट्रपति राज्यसभा में
12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो कला विज्ञान साहित्य एवं समाज सेवा से संबंधित हो, और यहां लिखेंगे आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित हो। नंबर 5, आप अंतर बता सकते हैं गणपूर्ति को लेकर के, गणपूर्ति या कोरम को लेकर के, और गणपूर्ति या कोरम को लेकर के आप अंतर क्या बताएंगे? लोकसभा की गणपूर्ति है 55 सदस्य और राज्यसभा की गणपूर्ति है 25 सदस्य। इसके बाद में आप अंतर बता सकते हैं। नंबर 6, कार्यकाल को लेकर के अंतर, और कार्यकाल को लेकर के आप अंतर क्या बता सकते हैं? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके बाद में आप अंतर बता सकते हैं पदाधिकारियों को लेकर के, पदाधिकारियों को लेकर के अंतर, और इसमें आप अंतर बता सकते हैं कि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जबकि राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। इसके बाद में आप अंतर बता सकते हैं निर्वाचन विधि को लेकर के, निर्वाचन को लेकर के, और निर्वाचन को लेकर के आप अंतर क्या बताएंगे? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो विधायकों के द्वारा किया जाता है। आप अंतर बता सकते हैं निर्वाचन की विधि को लेकर के अंतर, निर्वाचन विधि को लेकर के अंतर, और आप इसमें अंतर बता सकते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा किया जाता है, और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आप जो है अंतर बता सकते हैं इसके अंदर निर्वाचन पदाधिकारी, और इसके बाद में आप बता सकते हैं कि धन विधेयक, धन संबंधी विधेयक पहले केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। धन विधेयक जो है वो पहले लोकसभा में पेश किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। तो इस प्रकार से जो है आप इन बिंदुओं के माध्यम से जो है इन दोनों सदनों में अंतर या तुलना बता सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मेरी ये सारी बात समझ में आ गई होगी, और आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं ऐसे विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छा और बहुत ही मेहनती विद्यार्थी मानता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि समय बहुत ही अनमोल और बहुत ही कीमती है, और आप जो इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं वो बहुत ही एक अच्छी और एक सराहनीय बात है, क्योंकि समय निकाल करके और अध्ययन करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जो आप लोग कर रहे हैं। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि जितना हो सके आप अपना समय निकाल करके और इन वीडियोस को देखें, इनको बार बार पढ़ें, और आप जो हैं इनसे सीखने का